गरीब माँ और जादुई सोने की रोटी बनाने वाली मशीन। भरतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहाँ रजनी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। रजनी का एक 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी थी। रजनी की बेटी का नाम उर्मिला और बेटे का नाम टिंकू था। रजनी के पति के गुजर जाने के बाद घर में बहुत गरीबी आ चुकी थी। रजनी जैसे तैसे करके माली का काम किया करती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। रजनी पास के शहर में जाकर रोज बागीचे की सफाई और सूखे पत्तों को साफ किया करती थी और बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। हर रोज की तरह आज भी रजनी पास वाले शहर में बागीचे की साफ सफाई करने के लिए जा रही थी। वह काफी लेट हो चुकी थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, आज फिर से लेट हो गई। पता नहीं मालिक क्या क्या सुनाएंगे। अब भला मैं मालिक को क्या बताऊं कि कस्बे से शहर तक आने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। इतना कहते कहते रजनी जंगल के रास्ते शहर पहुंच जाती है और अपने मालिक के बागीचे में पहुंचकर साफ सफाई करने लगती है। तभी वहां पर उस बागीचे का मालिक आ जाता है। देखो रजनी, अगर काम करना है तो समय पर आया करो, वरना मेरे पास और भी बहुत नौकर है। गलती हो गई मालिक, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है इसलिए देर हो जाती है। मुझे तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ पर समय पर आया करो। इतना कहकर वहाँ का मालिक चला जाता है। रजनी बागीचे के सूखे पत्ते साफ करने लगती है और पौधों में पानी डालने लगती है। बागीचे का सारा काम खत्म करने के पश्चात रजनी वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है। दोपहर हो चुकी थी और बहुत तेज धूप निकल आई थी। ओफो, कितनी तेज धूप है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। रजनी जंगल में से गुजर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक हिरन पर पड़ती है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रजनी उसके पास जाती है। अरे बाप रे, इसका तो पैर टूटा हुआ है, लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया होगा। किस्मत से ये हिरन बच गया, लगता है बहुत भूखा है। मुझे कुछ करना होगा। जंगल से रजनी का घर बस थोड़ी ही दूर था। रजनी दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उर्मिला टिंकू को आवाज लगाती है। टिंकू, अरे ओ टिंकू, टिंकू बेटा, जरा जल्दी बाहर आओ, बहुत जरूरी काम है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही टिंकू और उर्मिला तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, जंगल में एक घायल हिरन बैठा है, उसका एक पैर टूट चुका है। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर जंगल में आ जाना, मैं उर्मिला को लेकर जंगल जा रही हूँ। टिंकू डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। रजनी तुरंत घर के अंदर जाती है और बची कुची रोटियां लेकर उर्मिला के साथ जंगल पहुंच जाती है। हिरन अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। रजनी उसके पास जाकर उसे रोटियां खिलाती है। रोटियां खाकर उस हिरन में कुछ जान आती है। थोड़ी देर बाद टिंकू डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब, इसका एक पैर टूटा हुआ है, आप किसी भी तरह से ठीक कर दीजिए। हाँ बहन, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके पैर को दोबारा से जोड़ने की। इसके बाद डॉक्टर उसके पैर की मरहम पट्टी करके हिरन का इलाज करता है। मैंने इसका इलाज कर दिया है, थोड़े दिनों तक इसकी देखभाल करनी होगी, फिर इसका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। अरे अरे, कैसी बात करती हो बहन, तुमने तो बहुत नेक काम किया है, भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रजनी, उर्मिला और टिंकू काफी देर तक उस हिरन के पास बैठे रहते हैं। माँ, अब हम क्या करें? अगर इस हिरन को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ दिया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। हाँ टिंकू बेटा, हमें इसे अपने साथ ही ले जाना होगा। इसके बाद रजनी, टिंकू और उर्मिला उस हिरन को उठाकर अपने घर ले आते हैं और कई दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। रजनी रोज उसे बहुत सारी रोटियां और हरी घास खिलाती है ताकि वो हिरन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन उनके घर पर सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। माँ, आज घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे और इस हिरन को कैसे खिला पाएंगे? बेटा, मैं शहर जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ, इससे हमारा खर्चा चलने लगेगा। रजनी शहर पहुँच जाती है और अपने मालिक के घर पहुँच कर उनसे पैसे मांगने लगती है। मालिक,
घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं अगले महीने तक आपको लौटा दूंगी। देखो रजनी, तुम मेरे यहाँ काम करती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपत्ति दे दूंगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रजनी निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, तुम कुछ खाने का सामान क्यों नहीं लाई हो? चुप कर टिंकू, देखता नहीं माँ परेशान लग रही है। क्या हुआ माँ, मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं बेटा, मालिक ने एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बाद रजनी घर में रखी हुई घास हिरन को डाल देती है और वो तीनों लोग भूखे सो जाते हैं। अगली सुबह जब रजनी की नींद खुलती है तो वो हिरन उनके घर में नहीं था, बल्कि उस हिरन की जगह एक अजीब तरह की मशीन रखी हुई थी और सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। रजनी उर्मिला से पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि वो अनपढ़ थी। मैं कोई हिरन नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें ये जादुई रोटी बनाने वाली मशीन दे रही हूँ। आटा डालते ही इसमें से सोने की रोटियाँ निकलेंगी। दीवार पर लिखी बात सुनते ही रजनी बहुत खुश हो जाती है। अब देखना टिंकू, मैं तुम्हारा एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दूंगी। रजनी तैयार होकर तुरंत शहर में काम के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सोने की रोटियां बनाने के लिए मशीन में आटा डालना पड़ेगा। दिन भर काम करने के बाद रजनी कुछ पैसे लेकर घर पहुंच जाती है और उन पैसों से आटा खरीद लेती है। जादुई मशीन में आटा डालते ही उसमें से सोने की रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। इतनी सारी सोने की रोटियां देखकर टिंकू और उर्मिला खुशी से उछलने लगते हैं। देखो माँ देखो, कितनी बड़ी बड़ी सोने की रोटियां निकल रही है। अब हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसके बाद रजनी सोने की रोटियां बेचकर बहुत सारा पैसा जमा कर लेती है और एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेती है। उर्मिला और टिंकू के खेलने के लिए एक पार्क भी बनवा लेती है। इसके बाद रजनी अपने कस्बे से शहर तक जाने के लिए एक पक्का रास्ता बनवाती है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। रजनी बहुत सारा पैसा गरीबों में दान कर देती है। एक दिन रजनी शहर में गरीबों को कपड़े बांट रही थी, तभी अचानक उसका पुराना मालिक वहाँ आ जाता है। अरे रजनी, तुम बहुत दिनों से तुम काम पर नहीं आई हो, और तुम ये क्या कर रही हो? मालिक, अब मैं कभी काम पर नहीं आऊंगी। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। इसके बाद रजनी अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है।